ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। हेल्थ की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। ये जो विकास काम की जो नारायणा गांव में जो गंगा बह रही है, एक बार मैं चाहता हूं कि ये सारा कुछ इसलिए हो पा रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए है कि हमारा भारत देश जिसको प्यार करने वाले सारे लोग यहां इकट्ठा है। मैं चाहता हूं कि मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले, जितने लोग देश से प्यार करते हैं, एक बार जितनी माताएं बहनें बुजुर्ग भाई बहन ऊपर नीचे आगे पीछे हैं, दोनों हाथ की मुट्ठियां बांधेंगे और दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलेंगे जिससे घर तक आवाज पहुंच जाए, लोगों को पता चले अभी मीटिंग चल रही है, तो दोनों हाथ ऊपर करके बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब, इनकलाब, बंदे बंदे। साथियों, अभी जब दुर्गेश पाठक जी आपके नारायणा गांव के कामों को गिना रहे थे तो मैं बैठ करके चेहरा तो आपको देख रहा था, लेकिन आज मुझे विधानसभा का उपचुनाव आ रहा था। जब राजेंद्र नगर से उपचुनाव में दुर्गेश पाठक के चुनाव मैदान में उतरे थे, पूरे राजेंद्र नगर विधानसभा में हमने एक ही बात कही थी कि सरकार अगर केजरीवाल की है तो विधायक केजरीवाल का बनाओगे तो काम ज्यादा होगा। हमें इस बात का, उस समय भी इस बात का भरोसा था कि केजरीवाल का विधायक बनेगा तो केजरीवाल की सरकार के साथ मिलकर के वो काम करेगा जिस काम के लिए राजेंद्र नगर विधानसभा के लोग, नारायणा गांव के लोग सालों साल से नेताओं के पीछे चक्कर काटते रहे। लेकिन हमें इस बात का भरोसा नहीं था कि वो सारे काम जो 20-20 साल से नहीं हो पाए वो दुर्गेश पाठक 2 साल में करके दे देगा, ये भी हमें अंदाजा नहीं था। मुझे याद है चुनाव चल रहा था, चुनाव के दौरान बहुत सारे षड्यंत्र हुए, उसी षड्यंत्र के तहत रेलवे वाले पुल के लिए रात में फर्जी पर्चे पूरे इलाके में बांटे गए। सुबह सुबह जब मैं पहुंचा वहां के लोग इकट्ठा हुए, लोगों ने कहा कि इस पुल का क्या होगा। मैंने कहा था केजरीवाल की सरकार है, केजरीवाल के विधायक बनाओगे तो जो आज तक पुल के लिए लड़ते रहे हो, झगड़ते रहे हो, गिड़गिड़ाते रहे हो, वो पुल भी मिलेगा और उसका भी शुभारंभ हो गया है और उसका भी काम पूरा है आपके सामने समर्पित करने के लिए विधायक जी ने जो प्रस्ताव रखा। एक बार दुआओं से भी ताली दे दो कि जल्दी से वो काम पूरा हो जाए। चौतरफा काम हो रहा है, लेकिन सबसे बड़ा ऐतिहासिक काम नारायणा गांव के गलियों का, सड़कों के विकास का, जिसका शुभारंभ हो रहा है। नारायणा गांव आज नहीं बना है, नारायणा गांव में हर समाज के लोग रहते हैं, सालों साल से नारायणा गांव की पहचान है, पूरे दिल्ली में पहचान है। नारायणा गांव के नाम की तो पहचान थी, गांव तो ऐतिहासिक था, लेकिन एक साथ पूरे गांव की सड़कें बनाने का ऐतिहासिक काम आज हो रहा है, वो दुर्गेश पाठक की वजह से। ये सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो रहा है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2 साल पहले जब अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में सरकार में दुर्गेश पाठक जी विधायक बने, आप जानते हो उसके बाद, उसी चुनाव के बाद दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र शुरू हो गया। आज जो चारों तरफ ये काम देख रहे हो, सामान्य परिस्थितियों में नहीं हो रहा। आप जानते हो दिल्ली के लोगों ने प्रचंड बहुमत से अरविंद केजरीवाल की सरकार बनाई,
अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के लिए प्रचंड तरीके से काम करना शुरू किया। ये काम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पेट में दर्द पैदा करने लगा। भारतीय जनता पार्टी बार बार दिल्ली में हारती रही। भाजपा के नेताओं ने एक नारा लगाया, न काम करूंगा और न केजरीवाल को करने दूंगा। केजरीवाल ने कहा कि तुम काम रोकते रहोगे, फिर भी हम काम करते रहेंगे। पहले उन्होंने एलजी के माध्यम से काम रोका, काम नहीं रुका। उसके बाद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन जी को उठा करके जेल में डाल दिया, सोचे काम सारा रुक जाएगा। उसके बाद दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को उठा के जेल में डाल दिया, काम रुक जाएगा सोचा उन्होंने। उसके बाद आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को उठा के जेल में डाल दिया, सोचे आप विधायक डर जाएंगे, पार्टी डर जाएगी। जब फिर भी नहीं हुआ तो दिल्ली के प्रचंड बहुमत से चुने हुए मुख्यमंत्री को उठा करके जेल में डाल दिया कि काम रुक जाए। एड़ी से चोटी लगा लिया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने। काम रोकने के लिए सारा षड्यंत्र किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे, जब आप कहते थे केजरीवाल ईमानदार है, भाजपा के नेता कहते थे ईमानदार है, तो बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रही, बेल क्यों नहीं मिल रहे। ईमानदार सारे नेता थे, हैं और आगे भी रहेंगे, इसलिए सारे नेताओं को बेल मिल गई, सारे नेता जेल से बाहर आ गए। मैं भाजपा के नेताओं से कहना चाहता हूं, भाजपा वालों तुम्हारे पास ईडी की ताकत है, ये सच है। तुम्हारे पास सीबीआई की ताकत है, ये सच है। तुम्हारे पास पैसे की ताकत है, ये सच है। तुम्हारे पास नफरत की ताकत है, ये सच है। लेकिन ये भी सच है कि अरविंद केजरीवाल के पास जनता के दुआओं की ताकत है, आशीर्वाद की ताकत है, और उस ताकत को तुम ईडी के दम पर, सीबीआई के दम पर, पैसे के दम पर, सत्ता के दम पर न कल खरीद पाए थे न आज खरीद पाए हो। दिल्ली के दुआओं से अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे। दिल्ली के लोगों की दुआओं से अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए, और दिल्ली के लोगों की दुआओं से सारा रिकॉर्ड तोड़ते हुए अगले विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत से फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बनने जा रहे। कई लोग ये बात सोचते हैं, कहते हैं जी चलो पानी फ्री मिल रहा है वो तो हो गया, कहते हैं बिजली फ्री मिल रही वो तो हो गया, स्कूल अच्छे बन रहे हैं वो तो हो गया, अस्पतालों में दवा फ्री मिलती है, जांच फ्री होती है वो तो हो गया, महिलाओं की यात्रा फ्री है वो तो हो गया। कहते हैं अब आगे क्या मिलेगा, ये तो सबको मिलता है, अब हमें क्या मिलेगा। साथियों मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, 2 महीने बाद दिल्ली के विधानसभा का चुनाव होने वाला है। अगर दिल्ली के अंदर गलती से भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, सवाल ये नहीं है कि क्या नया होगा, सवाल ये है कि अगले विधानसभा चुनाव के बाद जो कुछ हो रहा है वो होगा या बंद हो जाएगा। क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो बिजली का बिल आएगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो पानी का बिल आएगा, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो स्कूल बर्बाद हो गए, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो मोहल्ला क्लिनिक बंद हो गए, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो महिलाओं की फ्री यात्रा बंद होगी, अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा भी बंद होगी। अरविंद केजरीवाल की सरकार गई तो आज एक साथ पूरे गांव की सड़कें बनने जा रही है, भाजपा की सरकार आई तो एक साथ पूरे गांव की सड़कें बर्बाद हो जाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं बचे। और मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, दिल्ली में जैसे 3 बार से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के विधायक जीतते हैं और अरविंद केजरीवाल की सरकार बन रही है, दिल्ली वाले पिछले 3 बार से दिल्ली के अंदर सातों के सातों सांसद भारतीय जनता पार्टी के जिताते हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार 3 बार से बन रही है। मैं पूछना चाहता हूं नारायणा गांव के लोग यहां बैठे हैं, गांव के किसी कोने में ढूंढते रह जाओगे कि भाजपा के नेताओं ने क्या काम किया है आपके लिए। इसलिए आपसे कहना चाहता हूं,
आगामी विधानसभा चुनाव में दो पार्टियों के बीच में लड़ाई है। एक पार्टी का नारा है, न काम करूंगा न काम करने दूंगा। भारतीय जनता पार्टी का अभियान है काम रोको अभियान, और आम आदमी पार्टी का अभियान है काम करो अभियान। आप में से कितने लोगों को ये पसंद है कि दिल्ली में काम रोको पार्टी की सरकार बन जाए? आप में से कितने लोग फिर से काम करने वाली पार्टी की सरकार बनाना चाहते हो? जरा हाथ एक बार ऊपर कर दो। अगर सारे लोगों को काम करने वाली सरकार चाहिए तो घर बैठ करके नहीं मिलने वाला, घर बैठ करके नहीं मिलने वाला। सबको आज के बाद से पूरे गांव के अंदर अलग अलग समाज के लोगों के साथ मिलना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को एकजुट करना पड़ेगा, और सबको मिलकर के इस बात की तैयारी करनी पड़ेगी कि अगर इतने संकट में दुर्गेश पाठक ने अगर नारायणा गांव में काम का रिकॉर्ड तोड़ा है तो अगले विधानसभा में वोट का रिकॉर्ड भी टूटना चाहिए नारायणा गांव से। तैयार हो रिकॉर्ड तोड़ने के लिए? कितने लोग तैयार हो इस लड़ाई को लड़ने के लिए और इस लड़ाई को जीतने के लिए? दोनों हाथ ऊपर करके मेरे साथ एक बार नारा लगा के बता दो। मैं बोलूंगा लड़ेंगे, और आपको बोलना है लड़ेंगे। ताली बजाते हुए लड़ेंगे, 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 लड़ेंगे। भारत माता की। यहाँ आए सभी गांव के बुजुर्गों, माताएं, बहनें, आम आदमी पार्टी के सभी पदाधिकारियों का, हमारे मंचासीन सभी माननीय पार्षदों का, और आप सबके चहेते विधायक दुर्गेश पाठक जी का, मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों से इन सब लोगों का धन्यवाद करिए। इसी तरह से